अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समा मैजिक किचन। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे मिनी समोसा। आपने समोसा तो कई बार खाया होगा, लेकिन आज हम आपको मिनी समोसे की रेसिपी बताने जा रहे हैं। इसे बनाना बेहद ही आसान है। अगली बार समोसा खाने का मन करे तो आप मिनी समोसा ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए मिनी समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 3 बड़े साइज के आलू। आलू को अच्छी तरह धोकर 15 मिनट बॉयल होने के लिए रख दीजिए। जब तक आलू बॉयल हो रहा है, हम अपने मिनी समोसे का मैदे का डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, अगर ml में बताएं तो 250 ml मैदा, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच घी डालकर इन सभी को मैदे में अच्छी तरह मिला लें और हाथों से इस तरह मैदे को मसल ले। जब मैदे में इस तरह बाइंडिंग आने लगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सख्त डो तैयार कर लें। समोसे का डो हमेशा सख्त ही लगाएं, इससे आपके समोसे क्रिस्पी बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इतना सख्त डो ही लगाना है। हमने जो 1 कप पानी लिया था, उसमें से बस थोड़ा सा ही पानी का यूज हुआ है डो लगाने में। समोसे का डो लग गया है। अब हम इसे ढक कर रख देते हैं 10 मिनट सेट होने के लिए। जब तक डो सेट हो रहा है, अब हम आलू को देख लेते हैं। आलू को बॉयल होते करीब 15 मिनट हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक आलू ठंडा हो रहा है, हम आलू के मसाले को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा धनिया पत्ता, 1 मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक का, 4 से 5 करी पत्ते, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सफ़ेद नमक और आधा चम्मच गरम मसाला। इन सभी को इमामदस्ते में डालकर कूट लें। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह दरदरा पेस्ट तैयार कर लें। अब हमने जो आलू ठंडा होने के लिए रखा था, वो ठंडा हो गया है। इसे मैशर की मदद से अच्छी तरह मैश कर लें। आलू मैश हो गया है। अब समोसे के स्टफिंग को तैयार करने के लिए कढ़ाई में तेल डालकर चढ़ा देते हैं। तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम बादाम डालकर लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। बादाम में अब लाइट ब्राउन कलर आ गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसी तेल में हमने जो मसाले कूट कर रखे थे उसे डाल देंगे और तुरंत ही उसमें आधा छोटा चम्मच राई डाल देंगे। राई और मसाले को 2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम उबले हुए आलू को डाल देंगे जो हमने मैश करके रखे थे। फिर मसाले और आलू को अच्छी तरह मिला लेंगे और इसमें 1 चुटकी हींग और आधा छोटा चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। इसी स्टेप पर हरे मटर और हमने जो बादाम फ्राई कर रखे थे उसे डाल देंगे और सभी को अच्छी तरह मिला लेंगे। 3 मिनट तक भून लेंगे। फिर इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमने जो डो लगा कर रखा था उसे चेक कर लेंगे। देखिए, डो भी हमारा अब सेट हो गया है। अब इसकी हम लोइयां बना लेंगे। इस डो से 3 लोइयां बनकर तैयार हुई है। हमें इसी साइज की लोई बनानी है, इससे ज़्यादा बड़ी लोई नहीं बनानी है। अब हम चकले पर तेल लगा लेंगे ताकि लोई बेलते समय चिपके ना। इसकी हम बड़ी पतली सी रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। पहले इसे हम 2 पीसों में कट कर लेंगे। फिर इसे हम 2 से 4 पीसों में कट कर लेंगे और फिर इसे 4 से 8 पीसों में कट कर लेंगे। सभी को इक्वल पार्ट में कट कर लें, इससे आपके समोसे के शेप और साइज अच्छे बनेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, रोटी को हमें इतना पतला ही बेलना है, इससे ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है, नहीं तो आपके समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। हमने जो आलू ठंडा होने के लिए रखा था वो भी ठंडा हो गया है। अब इसके हम छोटे छोटे नींबू के साइज के बॉल बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके 21 बॉल बनकर तैयार हुए हैं। अब इसे हम अपने कट किए हुए रोटी पर रख देंगे और रोटी के किनारे पर पानी लगा देंगे ताकि समोसा फ्राई करते समय खुले ना। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हाथों में लेकर पीछे के दोनों साइड को अच्छी तरह बंद कर देंगे, फिर आगे की साइड को इस तरह चिपका देंगे। फिर जो दोनों तरफ के किनारे खुले हैं उसे भी हाथों से अच्छी तरह दबाकर बंद कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बाकी बचे हुए समोसे के पट्टी को इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके 21 समोसे बनकर तैयार हुए हैं। अब हम समोसे को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल चढ़ा देते हैं। तेल जब मध्यम गर्म हो तब उसमें समोसा डालें और आँच को कम कर दें। समोसा फ्राई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जब तेल मध्यम गर्म हो तभी समोसे को डालें। ज़्यादा गर्म तेल में समोसा डालने से समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। देखिए फ्रेंड्स, समोसे में गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए समोसे को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। समोसे का नाम सुनते ही सभी के मुंह में पानी आने लगता है। बच्चे हो या बड़े, सभी को समोसा पसंद आता है। ये समोसा खाने में तो टेस्टी होता ही है और इसे बनाने में भी कम समय लगता है। देखिए फ्रेंड्स, आप इसकी आवाज़ सुनकर समझ सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये अंदर से पूरी तरह पक गया है। आप इसे पुदीने के चटनी या टमाटो केचप के साथ सर्व करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।